हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल फैब बिगना। तो आज जो वीडियो है उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आप इस विंटर सीजन में, इस पार्टी सीजन में, इस वेडिंग सीजन में मैनिक्योर कर सकते हो घर में बैठ के ही। एंड आपका जो खर्चा होगा वो सिर्फ 20 रुपए खर्चा होगा। यस, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरली होममेड, जो किचन में आपको मिलता है वही सब चीज़ों को लेकर मैंने ये मैनिक्योर किया है। ये पार्लर जैसे मैनिक्योर ही है, सभी स्टेप्स मैंने फॉलो किया है जैसे कि पार्लर्स में फॉलो किया जाता है। एंड दीज आर द स्टेप्स विच यू कैन फॉलो इजिली एंड आपके नाखून, आपके हाथ बहुत सुंदर दिखेंगे। इट विल लुक ब्यूटिफुल। ये अगर आप ब्राइड हो तो, अगर आपका शादी होने वाला है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ब्राइड के फ्रेंड हो या घर वाले हो तो ये आप कर सकते हो। अगर आप ब्राइड नहीं भी हो तो पार्टी सीजन है, विंटर सीजन है, हमारे हाथ सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो आप ये मैनिक्योर फॉलो कर सकते हो एंड आप इजीली ये कर सकते हो। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो, यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना, बेल बटन को हिट कर लेना अगर आपने अभी तक बेल बटन को नहीं हिट किया, सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं किया वो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, यू नो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल डियर। और अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो ये आपके ऊपर है। सो लेट्स सी हाउ द मैनिक्योर कैन बी डन, एंड लाइक आई ऑलवेज से, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड वी आर गोइंग टू मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय। So these are the things that will you require to do this home manicure. सबसे पहले आप देख रहे हो मैनीक्योर का सेट, एंड इसके बाद है आपका कोकोनट ऑयल, मिल्क है, एंड दिस इज लैवेंडर ऑयल, और यह है टर्मरिक, घर में जो हल्दी है वही, वाइटमिन ई कैप्सूल, और थोड़ा सा आपका ऑरेंज लगेगा, एंड ये है बेसन, एंड दिस इज कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद, छाकने के बाद जो रेसिड्यू रहता है वही है, वो खास करके हमारे स्क्रबिंग के लिए लगेगा। अब आप देख रहे हो मेरे हाथ बिना मैनिक्योर किए हैं, सिर्फ मैंने नेल पॉलिश रिमूव किया है। तो अब ये जो दूध है, दिस इज़ रॉ मिल्क, उसमें एक कॉटन को डुबो के उससे हम क्लीनिंग करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लीनिंग। इस तरह से हम क्लीन कर रहे हैं, दोनों हाथों को मैं क्लीन कर रही हूं। मिल्क इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, एज यू नो इट एड्स मॉइस्चर। अब जो कॉफी मैंने कहा था वही कॉफी जो ग्राउंड्स है, इससे हम स्क्रबिंग करेंगे, लेकिन इसमें हम 2 टेबलस्पून करीब मिक्स करेंगे कोकोनट ऑयल, एंड दिस इज गुड वाइफ्स कोकोनट ऑयल। इस तरह से पूरे हाथों में हम इसको स्क्रब करेंगे। दिस इज नेचुरल, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन अगेन। सो सबसे पहले क्लीनिंग हो गया, इसके बाद स्क्रबिंग भी हो गया। अब मैंने ठंडे पानी से हाथ धो लिया है और फिर इसको ड्राई कर लिया। अब ये मैनिक्योर सेट से, अगर आपने नेल फाइल करना है, मतलब नहीं किया है तो आप नेल फाइल कर सकते हो, नेल कटर है, नेल को कट कर सकते हो। ये मैनिक्योर सेट आपको अमेज़न से मिल जाएगी और लोकल शॉप में भी मिल जाएगी। दीज आर लाइक फॉर ओनली 250 or 350 rupees। ऐसे आपको ना ऐसे एक देखोगे ये चीज़ है, इससे आप क्या करोगे, आपके नेल्स के आस पास जो क्यूटिकल्स है उसको आप क्लीन करोगे। जैसे नेल पॉलिश तो मैंने रिमूव किया है, लेकिन क्यूटिकल्स के आसपास लगा रहता है तो उसी से हम क्लीन करेंगे धीरे धीरे से। क्लीनिंग हो गया है, अब नेल्स के ऊपर कॉटन में हम कुछ एसेंशियल ऑयल्स लेंगे। मैं लैवेंडर ऑयल ही ले रही हूँ, और उसको हर एक नाखून के ऊपर मैं प्रेस कर रही हूँ। अब ये इससे हम नेल्स को फिर से हम क्लीन करेंगे,
जो आपका टैनिंग हो जाता है, येलो येलो स्टेन हो जाता है, टैनिंग नहीं येलो स्टेन हो जाता है, वो धीरे धीरे मतलब निकल जाता है। इसके बाद ये है हमारा मसाज करने के लिए ऑरेंज, कुछ ऑरेंज क्यूब्स, और इसके साथ हम मिलाएंगे विटामिन ई कैप्सूल। आप एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपके मर्जी के ऊपर है। एंड फिर मैं गुड वाइब्स की कोकोनट ऑयल लिया है एंड सबको एक साथ मैंने मैश किया है एंड इस तरह से मैं मसाज करूँगी कम से कम 5 से 6 मिनट तक। आप 10 मिनट तक भी मसाज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो दोनों हाथों में मैंने अच्छी तरह से मसाज कर लिया है। और फिर से मैंने पानी से धो लिया है 10 मिनट के बाद एंड ऑलरेडी यू कैन सी माय हैंड्स आर ग्लोइंग। अब पैक बनाएंगे, उसके लिए टर्मरिक लगेगा, बेसन लगेगा, फिर हम उसमें डालेंगे लैवेंडर एसेंशियल ऑयल एंड दूध। इसको बनाने के बाद हम इसे हाथ में लगाएंगे। वैसे मैं कह दूँ ये पैक आप मुंह में भी मतलब फेस में भी लगा सकते हो बिकॉज लैवेंडर इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन एंड एक्नी प्रोन स्किन। और अगर मतलब एंटी रिंकल जैसा भी ये काम करता है। तो पूरे हाथों में मैंने लगाया है, मैंने पाम पे भी लगाया है एंड लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक आप वेट करो ताकि ये पैक सूख जाए पूरी तरह से एंड उसके बाद अब ठंडे पानी से धो लो। तो मैंने पैक धो लिया एंड नेल पॉलिश भी लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी गुड वाइब्स की ये ऑलिव हैंड क्रीम। वैसे आप अगर हैंड क्रीम नहीं लगाना चाहते हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो या बॉडी बटर लगा सकते हो, या वो भी नहीं है तो आप सिंपली कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो या बोरोलिन भी लगा सकते हो। बट कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है बिकॉज आफ्टर पैक आवर स्किन फील्स लिटिल बिट ड्राई। तो उसके लिए ये हैंड क्रीम मुझे बहुत पसंद है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक।